जी इस वक्त साइफर केस की समाअत खत्म हो चुकी है। सलमान सफदर साहब इस वक्त आ रहे हैं और आज की क्या अच्छी खबरें हैं? सलमान सफदर साहब बताइएगा, आज की समाअत में क्या कुछ हुआ, क्या बड़ी डेवलपमेंट हुई आज? सबसे बड़ी डेवलपमेंट आज के केस में ये है कि तमाम एविडेंस पढ़ा गया है, तमाम एविडेंस जजेस ने देख लिया है, मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स के विटनेसेस भी देख लिए हैं, FIA के विटनेसेस भी उन्होंने देख लिए हैं और कल जजेस ने फाइनल आर्ग्यूमेंट्स और फाइनल सबमिशंस के लिए, फाइनल राउंड है कल फॉर द डिफेंस, सो कल इंशाल्लाह हम विद इन 45 मिनट्स अपना केस कंक्लूड करके सरकार अपने जो भी दलाइल उन्होंने देने हैं, अब देखते हैं। आपका अगला सवाल मुझे पता है वो क्या है कि ये फैसला कब आएगा और क्या खान साहब ईद अपने घर करेंगे, ये आपके सवाल हैं। अब मुझे भी पता चल गया है, कुछ जजेस को भी समझ गया हूँ, आपको भी समझ गया हूँ कि आपने क्या पूछना है। तो उसका जवाब ये है कि हम तो हर दिन अपनी असिस्टेंस दे रहे हैं, जितनी लंबी और तफसीली असिस्टेंस मैंने साइफर में दे दी है, इतनी लंबी असिस्टेंस मैंने कभी पाकिस्तान की हिस्ट्री में किसी केस में दी नहीं है, इतने बुरे तरीके से किसी केस को कभी डिमोलिश किया नहीं है। और असल ये केस डिमोलिश कल होगा जब फाइनल आर्ग्यूमेंट्स दिए। आज 3 घंटे के लगभग समाअत हुई है, इस समाअत में क्या कुछ रिमार्क्स दिए गए जज साहिबान की जानिब से और क्या अहम चीज़ें सामने आई और आप लोगों ने क्या दलाल दिया? देखिए, वो हमारे आज मेन सारा केस आज़म खान साहब के इर्द गिर्द घूमता रहा और आज़म खान साहब का अगवा होना, उनके घर वालों का FIR करवाना, हेबियस कॉर्पस फाइल होना और उसके बाद मुख्तलिफ सरकार ने जो गवाह पेश किए वो पाकिस्तान के बैरूनी ममालिक से कैसे ताल्लुकात ख़राब हुए, कौन से बैरूनी ममालिक थे, किसने आके डिपोज किया, कौन से गवाह थे, वो जज साहब ढूंढते रहे कि पाकिस्तान के ताल्लुकात कैसे ख़राब हो गए, वो कुछ नहीं मिला। सो एक FIA की एक टेक्निकल रिपोर्ट उन्होंने देखी जिसमें किसी सफ़े पे इंडिया का जिक्र है, किसी सफ़े पे USA का, किसी सफ़े पे अरब ममालिक का जिक्र करके तो उन्होंने कहा ताल्लुकात ख़राब हो गए। अप इन दी एयर, हवा में बात है, किसके साथ ताल्लुकात ख़राब हुए, क्यों हुए, उसका कोई तस्करा नहीं। सो कल हम रिज्यूम करेंगे यहीं से, 1 घंटे में इंशाल्लाह केस कंक्लूड हो जाएगा। फैसला मेरा ख्याल है ये बुध या जुमेरात आप फैसला सुन लेंगे साइफर। कल बुध है, परसों जुमेरात है। मैं 100% रिहाई देख रहा हूँ इक्विटल का केस। लेकिन सलमान सफदर साहब, जो माजी की अगर रिवायत देखे जाए तो उसमें महफूज कर लिया जाता है, महीना भी लग जाता है, 2 महीने बाद फैसला सुनाया जाता है। हम रिक्वेस्ट करेंगे, बस चीज़ें हमारे बस में हैं, वो कला के बस में हैं, बस चीज़ें हमारे बस में नहीं है। अंडरस्टैंडिंग में बहुत क्लैरिटी है जज साहिबान के, हम ये भी चाहेंगे कि फैसला जो है, जो भी है, सजाए जजाए देर एंड देन हमें वो फैसला सुनाए, जो डिज़र्व करता है उसको जितनी जल्दी फैसला मिल जाए। अक्सर ऐसा होता है शॉर्ट ऑर्डर फौरन सुना दिया जाता है, डिटेल्ड जजमेंट बाद में आएगी। सो हम एक्सपेक्ट करेंगे और इंशाल्लाह मुझे उम्मीद है कि पहले शॉर्ट ऑर्डर आएगा और फिर तफसीली फैसला। यानी सलमान सफदर साहब, जो 25 रमज़ान की आपने बात कही थी कि खान साहब बाहर होंगे, तो वो चीज़ होती हुई दिखाई दे रही है अब? इंशाल्लाह ये ना हो कि मेरे क्लाइंट से ज्यादा मेरे मुरीदैन में इजाफा हो जाए मेरी प्रेडिक्शंस पे। थैंक यू वेरी मच। इंशाल्लाह कंफर्म समझे 25 रमजान। इंशाल्लाह।